बीच ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि इसराइल और अमेरिका सैन्य अभ्यास में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। खबर है कि आने वाले कुछ महीनों में इन दोनों के बीच कई मिलिट्री ड्रिल होंगी, जिसके तहत अमेरिका और इसराइल की रणनीति ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की होगी। और इस सैन्य अभ्यासों में ये दोनों देश ईरान को सबक सिखाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि इसराइल और अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद ईरान एटम बम बनाने के अपने कई साल के सपने को पूरा करने में जुटा है। यही नहीं, खबर है कि वो किसी भी वक्त अपने मिशन को पूरा कर सकता है, यानी ईरान के हाथ परमाणु बम लग सकता है, जिसे इसराइल खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि इसराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। इसकी वजह यह है कि इन दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से कट्टर दुश्मनी है, जिसे देखते हुए इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका उसकी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इन सैन्य अभ्यासों में अमेरिका अपना पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल करेगा, जबकि इसराइल अपनी घातक मिसाइलों का दम दिखाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कनाडा में घरों की कमी को देखते हुए वहां की सरकार विदेशों से आए लोगों की गिनती का तरीका बदलने वाली है। दावा किया गया कि कनाडा में विदेश से आए लोगों की वजह से वहां के स्थानीय लोगों को घर नहीं मिल रहे, जिसके बाद वहां की सरकार नए तरीके से विदेश से आए लोगों की गिनती की तैयारी में जुट गई, ताकि सरकार को पता चल सके कि कनाडा में विदेश से कितने लोग आए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कनाडा में प्रवासी मजदूरों और विदेशी छात्रों की वजह से वहां के आम लोगों को घर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वहां के मूल निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए सरकार विदेश से आए लोगों की गिनती करने का तरीका बदलना चाहती है, जिसके बाद उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो कनाडा में पढ़ाई करने या नौकरी करने के लिए गए हैं। कुछ दिन पहले कनाडा की सरकार ने घरों की कमी को देखते हुए विदेशियों के घर खरीदने पर रोक लगा दी थी। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने अपने कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में चुनाव करा दिए। बताया गया कि यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़्या और खेरसोन में चुनाव करवाए गए। हालांकि यूक्रेन के इन चारों इलाकों पर रूसी सेना का पूरी तरह से कब्जा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहां लोगों से वोट डलवाए गए। डोनेस्क के मारियोपोल में चुनाव के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग वोट डालते नजर आए। बारी बारी से लोगों ने मतदान किया। यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ वक्त बाद रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़्या और खेरसोन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का दावा किया था। हालांकि पुतिन की फौज पूरी तरह इन चारों इलाकों पर कब्जा नहीं कर पाई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे से कई हिस्सों को आजाद भी करवाया, लेकिन अब जब यहां चुनाव कराए जाने की बात सामने आई तो यूक्रेन के भी होश उड़ गए। उधर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद पश्चिम एशिया और अफ्रीका में बैठे वैगनर ग्रुप पर पुतिन ने नजरें गड़ा दी। कुछ दिनों पहले ही वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की रूस में एक विमान दुर्घटना में मौत हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके बाद शायद पुतिन ही वैगनर ग्रुप को कंट्रोल करेंगे, और हुआ भी वही। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पुतिन ने वैगनर ग्रुप के साम्राज्य पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर लिया। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, लेकिन इसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के जून में पुतिन से बगावत के बाद वैगनर ग्रुप को शक की नजर से देखा गया। लेकिन बगावत के ठीक दो महीने बाद अब जब प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है, तो दावा किया गया कि पुतिन इस ग्रुप पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। बताया गया कि इसीलिए पश्चिम एशिया और अफ्रीका में बैठे वैगनर ग्रुप पर पुतिन ने नजर गड़ा दी, ताकि जल्द से जल्द वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को पूरी तरह अपने पाले में लाया जाए।